नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कटनी नगर निगम द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय सेवाओं का संचालन करने वाली नवज्योति शिक्षा समिति सतना के द्वारा पिछले एक साल में 3 केंद्रों का संचालन करते हुए 3.5 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। संस्था जरूरतमंद लोगों को केवल 10 रुपए में भोजन की थाली में उपलब्ध कराती है, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल और अचार शामिल है। नगर निगम के द्वारा इस व्यवस्था की समय समय पर जाँच की जाती रही, लेकिन कभी कोई शिकायत या कमी नहीं मिली। अब इस संस्था के टेंडर की समय अवधि समाप्त हो रही है, जिससे इसमें सेवाएं दे रहे 10 से 12 कर्मचारियों की रोजी रोटी पर ही सवालिया निशान लटका दिख रहा है। हेलो, सुनिए, क्या नाम आपका? है? आपका क्या नाम है? अशोक नाम। यहाँ आप क्या करते हैं? सफाई। तो कितने टाइम आप आते हैं यहाँ पे? सफाई कब से कर रहे हैं? सवेरे शाम में कर देते। तो कितने दिन से आप यहाँ काम कर रहे हैं? सालों कर लेंगे और कहाँ जाते। सालों से हो गए आप काम करते हुए हैं। तो तनख्वाह वगैरह आपको मिलता है? है? पैसे से बराबर मिलते हैं? हाँ। अच्छा, क्या नाम आपका? गौरव रैकवार। यहाँ आपकी क्या भूमिका है? मैं खाना बनाने का काम करता हूँ। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको? मेरे को ज़्यादा ही हो गए, लॉकडाउन जब लगा था जब से। अच्छा, खाने की क्या स्थिति, क्या टाइमिंग है आप लोग? बढ़िया। कितने बजे खाना देते हैं आप? 8 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब 8 बजे से बनना शुरू होता है, 10 बजे चालू। अच्छा, अभी खाने में आप क्या क्या रखते हैं? दाल, चावल। और ऑर्डर वगैरह के लिए कैसे ऑर्डर, कितने डेली के लोग को आप खाना देते होंगे? 40 लोग को। अच्छा अच्छा। संस्था की समय अवधि समाप्त होने वाली है, और आज मैं यहाँ आके रसोई से भी मैंने बात करी, तो उसका भी कहना था कि खाना पीना वगैरह मैंने काफ़ी समय से यहाँ पे दे रहा हूँ। 300-400 लोग को खाना दिया गया, और लगभग लॉकडाउन में 1000 से 1500 लोगों को मैंने पैकेट वगैरह लगा के दिए, पार्सल दिया गया। अच्छा, अगर यदि समय अवधि समाप्त होने के बाद किसी अन्य संस्था को कलेक्टर के महोदय से टेंडर दे दी जाते हैं, तो लगभग आप लोग कितने लोग हैं? सर, यहाँ पे 12-13 लोगों का। 12-13 लोग ये बेरोजगार होंगे, कल हो सकता है संस्था आपको ना रखे, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अपना प्रकाश डालिए। कुछ कहना चाहती हैं तो आप वो ज़रूर कह सकती हैं। सर, मेरा कलेक्टर साहब से यही अनुरोध है कि हमारे संचालक नवज्योति शिक्षा समिति के संचालक दीपक मिश्रा जी को पुनः ये टेंडर दिया जाए, क्योंकि हम 12-13 लोग जो स्टाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है अगर किसी और को मतलब ये टेंडर दिया जाता है तो 12-13 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और क्या पता हम लोगों को उस समिति में काम करने को मिल जाए या नहीं मिल जाए। इसलिए एक साल के लिए मैं टेंडर फिर बढ़वाना चाहती हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूनम मिश्रा है। आपके यहाँ क्या पे है? सर, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। कटनी से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ हसन रसीद की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।